हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम जी और आपका राम जी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लैपटॉप में स्क्रीनशॉट की सेटिंग कैसे करते हैं, या फिर आपके पास कंप्यूटर है तो उसमें स्क्रीनशॉट की सेटिंग कैसे करते हैं कि आप जो है सिर्फ वन क्लिक में अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट ले लें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैंने यहाँ पर एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आपसे क्वेश्चन किया था विंडोज में कौन सी सेटिंग करने से आप वन क्लिक में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या आपको ये आता है। तो यहाँ पर 24% लोगों ने जवाब दिया है हाँ हमें आता है, लेकिन वहीं पर 26% लोगों ने बोला है भाई नहीं आता है। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कमेंट में आया है प्लीज मेक वीडियो ऑन दिस, एंड एक भाई ने कमेंट किया सेटिंग का नहीं पता, मेरा कंप्यूटर में सेटिंग पहले से है, मुझे प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करने पर स्क्रीन शॉट हो जाता है। ओके, तो ये भाई बहुत ही सही कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम करती है चीजें। तो इसमें ये ट्रिक ये है कि जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक स्निप सेट का जो है एक आइकॉन आ जाता है, और यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक स्क्रीन शॉट निकल के आ जाता है आपके पूरे के पूरे विंडोज का। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट आ चुका है, स्क्रीन पर देख सकते हैं स्निप स्क्रीन। आप इस पे आप क्लिक करके आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं, कुछ डूडल्स वगैरह बना सकते हैं, कुछ इस पे जो है ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो कुछ भी आप करना चाहें। तो ये सारी चीजें हैं जो काम करती है बहुत ही आसान तरीके से, ये देख सकते हैं। तो कैसे आप कर सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, बहुत ही आसान सा तरीका है। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर विंडोज पे क्लिक करना है, विंडोज पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स पे जाना है, जैसा कि विंडोज की सेटिंग होती है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ईज ऑफ एक्सेस की सेटिंग होती है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आपको सबसे नीचे जाना है इंटरेक्शन वाले पेज पर, वहां पर आपको कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो कीबोर्ड का ऑप्शन पे क्लिक करना है, कीबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे की साइड में जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है प्रिंट स्क्रीन शॉर्टकट। ओके, यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रिंट स्क्रीन शॉर्टकट, आपको ये आपके कंप्यूटर में ऑफ होगा तो इसको ऑन कर देना है और कुछ नहीं करना है। ऑन करने के बाद यदि आपका कंप्यूटर बोलता है भाई रिस्टार्ट कर दो, मुझे रिस्टार्ट की जरूरत है, तो आप इसको रिस्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज जो है बिना रिस्टार्ट के भी काम करता है, मैंने ये इसको चेक किया है। तो सिंपली आपको इसको अगर ऑफ है तो ऑन कर देना है, बस आपका काम हो गया। जिन लोगों के लैपटॉप पे पहले से प्रिंट स्क्रीन प्रेस करने पर स्क्रीन शॉट का ऑप्शन आ जाता है उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जिनके में नहीं है उनके लिए सेटिंग है। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑन कर दिया है, अब देखिए इसको हम यहाँ से बैक करके कट कर देंगे इजिली जो है, जब भी हम इसको प्रिंट स्क्रीन अपने कीबोर्ड से जो है प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक आइकॉन आ जाएगा। यहाँ पर चार ऑप्शन को मिलते हैं, पहला ऑप्शन मिलता है कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं कितने साइज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको सिर्फ आपके डेस्कटॉप पर इतना ही लेना है या फिर इतना ले सकते हैं, इतना लेना है अपने साइज के हिसाब से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। उसके बाद आप जब मान लीजिए इस पे जो है क्लिक करते हैं प्रिंट स्क्रीन पर तो यहाँ पर एक विंडोज का ऑप्शन है फुल स्क्रीन स्निप लेने के लिए, तो जैसे आप उस पर वन क्लिक करते हैं तो आपका स्क्रीनशॉट ओवरऑल पूरे विंडो कंप्यूटर का आ जाता है। तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं, सीधे यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो है स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि भाई कहाँ चला गया, तो यहाँ से आप इसको आप चाहे तो ड्राइंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ड्राइंग कर सकते हैं इस पे, यहाँ से कुछ भी देखिए यहाँ पर ड्राइंग कर सकते हैं, या फिर इसको क्रॉप कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको छोटा बना सकते हैं वगैरह, फिर इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब काफी सारी चीजें आप यहाँ से करने के बाद इसको यहाँ से डायरेक्ट आप कॉपी करके कहीं चाहे तो पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये काफी ही आसान सा फीचर्स है विंडोज का, हमारे ख्याल से ये विंडो 11 जो आने वाला है उसमें भी आएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस कर दिया था कि विंडोज 10 के सभी फीचर्स आपको विंडो 11 में मिल जाएंगे। तो बहुत ही कमाल की चीजें हैं और आपको जानी चाहिए, तो मैंने सोचा इसको एक वीडियो बना लेते हैं। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।